आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आपको मेरा नमस्कार। मैं साहिल जवाहर नवोदय विद्यालय कलबुर्गी 2 दसवीं कक्षा का छात्र हूँ। माननीय प्रधानमंत्री जी, परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में आपके द्वारा कही गई बातों को सुनने से पहले मेरे अंदर ही अंदर परीक्षा का तनाव था कि मैं मेरे माता पिता के आकांक्षाओं पर खरा हो पाऊंगा या नहीं, और ऐसे ही अन्य सवाल मुझे परीक्षा के संबंध में चिंतित कर रहे थे। माननीय प्रधानमंत्री जी, इन्हीं चंद कारणों की वजह से मैं आपका मार्गदर्शन पाने के लिए बहुत उत्सुक था। मुझे यह कार्यक्रम और आपकी बातें सुनने का अवसर मिला, इसलिए मैं इसका आभारी हूँ। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आपके सकारात्मक बातें सुनकर परीक्षा के प्रति मेरे मन में जो भय था वो अब ना रहा। आपके द्वारा परीक्षा पे चर्चा में कही गई बातों में मुझे कुछ अच्छी लगी है। आपने कहा आदरणीय प्रधानमंत्री जी कि हम एग्जाम प्रूफ हो चुके हैं, इतने एग्जाम्स लिखने के बाद सिर्फ एक एग्जाम से क्यों डरे। आपने कहा कि इतने सफर के बाद किनारे पे डूबने का डर क्यों। आपसे हमें यह सीखने मिला है कि जितना हम अपने अंदर जाएंगे, हम अपने अंदर उतनी ही ऊर्जा पाएंगे। वर्तमान ही भगवान की सबसे बड़ी देन है, और आपने पेरेंट्स और टीचर्स को लेकर उनको कहा कि बच्चों पर बोझ ना बने और उनके क्षमता को समझकर उनको आगे बढ़ने में मदद करें। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपने जो माध्यम के महत्व के बारे में जो समझाया, जैसे माध्यम समस्या नहीं, मन समस्या है। जैसे युग बदलता है, माध्यम भी बदलते हैं, और ऑनलाइन पाने के लिए ऑफलाइन बनने के लिए। आपने आपकी हर बातों को अनेक उदाहरणों के साथ बताई और स्पष्ट किया, और अब मैं आपकी बातें सुनकर प्रेरित हो गया हूँ, और मेरे परीक्षा की ओर जो तनाव था वो मिट चुका है। अब मैं जो मेरी परीक्षा निकट है उसमें मैं अच्छा कर पाऊंगा, ऐसा मुझे विश्वास आ चुका है। यह कार्यक्रम और आपकी बातें मुझे सुनने मिली, यह मेरा सौभाग्य रहा है, और मैं आपका आभारी हूँ। धन्यवाद महोदय प्रधानमंत्री जी।